हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे कन्नड़ा मूवी कब्जा का मोशन पोस्टर के बारे में। आपको बता दूं, कब्जा एक पैन इंडिया मूवी रिलीज होने वाली है, यानी कि आपको कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, मराठी और बंगाली इन सारी लैंग्वेज में हमें ये मूवी नजर आने वाली। इस मूवी के मोशन पोस्टर का रिव्यू करने के लिए मुझे बहुत दिनों से काफी लोग बोल रहे थे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैं मल्टीपल चीजों का रिव्यू करता था, मल्टीपल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि हर किसी की रिक्वेस्ट पूरी करना, उस वक्त पूरी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो रिलीज होती है, जो प्रेजेंट में जो चीज रिलीज हो रही है उसका भी रिव्यू करना पड़ता है, और जो पास्ट में हो चुकी है जिसको आप लोग रिकमेंड करते हो उसका भी रिव्यू करते हो। इसलिए बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता, जबकि मैं दिल से चाहता हूं कि आप सारे लोगों की रिक्वेस्ट पूरी हो। मैं हर इंसान की, यहाँ पे जितने भी इच्छे एवरीवन जो मेरे सब्सक्राइबर, जो मेरी फैमिली का हिस्सा है, मैं उन लोगों की रिस्पेक्ट करते हुए उन लोगों की हर एक चीजों का रिव्यू करता। तो फाइनली आज मेरे टाइम निकाल के कब्जा मोशन पोस्टर का रिव्यू करने सोचा, जिसमें हमें नजर आते रियल स्टार उपेंद्र सर। अब मैं बोल रहा हूँ उपेंद्र सर इसलिए क्योंकि ये एक ऐसे लेजेंड है कन्नड़ा सिनेमा की, जिनकी मैं यहाँ पर जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। वो एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है, बहुत ही जबरदस्त एक्टर है। उसके अलावा अगर मैं उनके करियर की बात करूँ तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी फिल्में डायरेक्ट की है, मतलब जो उस वक्त जब वो रिलीज हुई थी उससे कहीं ज्यादा आगे। और हम लोग उनकी फिल्मों का रिव्यू करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अभी हमारा चैनल उस लेवल का नहीं पहुंचा जहां पर हम उपेंद्र सर की मूवी का रिव्यू करें। मैं क्योंकि बता दूं कि हमारी वो अभी चैनल की इतनी औकात नहीं है, सीधी सीधी बात बोला, लेकिन फिर भी आने वाले कल में उपेंद्र सर की मूवी का रिव्यू करेंगे। लेकिन फिलहाल तो कब्जा मोशन पोस्टर की बात को देखिए, मैं यहाँ पर मोशन पोस्टर का रिएक्शन इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको बता दूं कि जब से कोरोना वायरस का लफड़ा चल रहा है तो जितने भी यूट्यूब की टीम है वो सब छुट्टी पे, तो अब यूट्यूब पूरा एक मशीन के थ्रू मॉनिटर होता है। उससे पहले भी मशीन के थ्रू ही मॉनिटर होता था, लेकिन वहां पर मैनुअली कुछ लोग बैठते थे जो देखते थे कि भाई इसमें कॉपीराइट चीजें हैं या कॉपीराइट चीजें नहीं है, तो लोग अपने हिसाब से कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम देते थे। लेकिन अपनी ये मशीन पर पूरा सिस्टम हो चुका है ना, तो क्या कर रहा है, मशीन की वजह से आपको कॉपीराइट क्लेम मिल रहा है, कॉपीराइट स्ट्राइक मिल रही, तो चलो कॉपीराइट क्लेम तो ठीक है, लेकिन जब स्ट्राइक मिलती तो उससे चैनल बंद होने का खतरा हो जाता है। तो फिलहाल मैं इसीलिए वो वीडियो यहां पर नहीं चला, अगर चलाऊंगा भी तो बिना आवाज के चलाऊंगा, ताकि मतलब मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक ना मिले। क्लेम मिला तो कोई टेंशन नहीं यार, लेकिन स्ट्राइक मिलेगा तो चैनल बंद हो जाएगा। खैर, अगर कब्जा मोशन पोस्टर की बात करो तो इस बार हमें जो उपेंद्र सर है, हमें नजर आने वाले एक डॉन के रोल में, जो कि प्ले करे 80s के डॉन का रोल। उसके अलावा इसमें आपको 7 और भी विलन नजर आने वाले, जैसे कि जगपति बाबू, प्रकाश राज, जयप्रकाश रेड्डी, प्रदीप रावत, उसके अलावा नाना पाटेकर, मनोज बाजपेयी और समुथरा खेनी। खैर, मूवी की बात करो तो मूवी बहुत जबरदस्त होने वाली, क्योंकि इस बार उपेंद्र सर ने ये सोच लिया कि भाई पैन इंडिया रिलीज करना, तो ऐसी फिल्म रिलीज करेंगे जो वाकई में उनके लेवल को मैच करती। क्योंकि उपेंद्र सर को ऐसा नाम नहीं कि मतलब आया और भूल गया, मतलब ये मैं बता रहा हूँ लेजेंड ऑफ सिनेमा है। और उनकी फिल्म अगर पैन इंडिया रिलीज हो रही तो वाकई में इस फिल्म में कुछ तो ऐसी बात होगी जो पूरी हर एक लैंग्वेज में रिलीज हो रही है। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि 2020 में ये वन ऑफ दोस कन्नड़ा मूवी जो आगे चल के बहुत जबरदस्त बॉक्स ऑफिस में कमाई करने वाली। और उपेंद्र सर के इतने ज्यादा मैसिव फैन है कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, इस वजह से ये फिल्म श्योर ब्लॉकबस्टर हो सकती है। लेकिन कंफर्म मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि देखिए, अगर कुछ भी ऐसी खामी होती है इस फिल्म में तो ये पैन इंडिया में जो रिलीज हो रही तो सीधा पब्लिक नकार देगी, और मैं नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत बड़े एक्टर है, बहुत बड़ी लेजेंड है मैं तो बोलूंगा। तो इस हिसाब से ये जो फिल्म है वो इतनी अच्छी होना चाहिए कि मतलब हर एक इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो ऑडियंस है, उन लोगों को ये फिल्म पसंद आना चाहिए। मैं तो कोशिश करूंगा कब्जा के आने वाले कल और भी मोशन पोस्टर या ट्रेलर या टीजर आएगा तो उसका भी रिव्यू करने के लिए। फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी बहुत शानदार होने वाली, क्योंकि इसका डायरेक्शन करे आर चंद्रू, उसके अलावा इसमें हमें म्यूजिक डायरेक्टर है रवि बासुर भी कोई नया नाम नहीं है। मैं आपको कनाडा सिनेमा में बहुत जबरदस्त, अगर इस मोशन पोस्टर के बीजीएम की बात करूं तो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल धमाकेदार बीजीएम। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इस वीडियो के बाद फौरन वो मोशन पोस्टर जाके वीडियो चेक करो, आपको खुद समझ में आएगा कि बीजीएम कितना शानदार है। तो यार बस इस वीडियो में इतना, अगर आपको कब्जा का मोशन पोस्टर का ये मेरा रिव्यू वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना। और हाँ, आप लोगों के शेयर करने से वीडियो वायरल होती, तो आप लोग शेयर करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर कर देना। तो टिल देन दुआ में याद रखना, मैं हूँ राशि सिंह और आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखते हो। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, टिल देन दुआ में याद रखना।